हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ यू। आज हम इंडिया एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, भारत कृषि और सिंचाई रिलेशन को जानेंगे। एग्रीकल्चर का अर्थ केवल खेती करना नहीं होता है, बल्कि इसमें कुछ और प्रकार की कृषि आती है, जैसे है एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन, एपी कल्चर का मतलब मधुमक्खी पालन, शेरी कल्चर का मतलब सिल्क के कीड़ों का पालन करना, प्राम फार्मिंग का अर्थ होता है झींगा पालन, और हार्टी कल्चर यानी बागवानी, यह बागवानी है, पीसी कल्चर यानी मछली पालन, और फॉरेस्ट्री का मतलब होता है जंगल का निर्माण या जंगल बढ़ाना। अब फार्मिंग के प्रकार को जानते हैं, कितना तरह का फार्मिंग होता है, खेती कितना तरह का होती है। खेती दो तरह की होती है मुख्य रूप से, एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जिसमें जो कुछ भी पैदा किया जाता है सेल्फ के लिए किया जाता है, सब्सिस्टेंस होता है। दूसरा होता है कमर्शियल एंड व्यवसायिक, वह खेती जिसमें जो है व्यवसाय के लिए दूसरे को बेचने के लिए किया जाए, दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। और तीन तरह के जो है कैटेगरी में फसलों के, एक फूड ग्रेन्स का है जैसे गेहूँ है, चावल है, बार्ले जौ है, चना है। दूसरा है कैश क्रॉप्स में वो आती है नगदी फसलें, जैसे है गन्ना है, सूत है, जूट है, ऑयल सीड्स है, और तेल है, और तंबाकू है। एक है प्लांटेशन क्रॉप्स जिसमें टी है, कॉफ़ी है, रबर है, और स्पीसीज मसाले। हम इस लेसन के इम्पोर्टेंट तथ्यों के तरफ चलेंगे। भारत में टोटल चावल जो विश्व में पैदा होता है उसमें 22% जो है इंडिया में पैदा होता है, और चाइना के बाद इसका दूसरा स्थान आता है। गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और चाइना का पहला स्थान। चाय उत्पादन में चाइनीज फर्स्ट हैं, और अभी हम थोड़ा कृषि से संबंधित हरित क्रांति के बारे में जान लेते हैं। हरित क्रांति 1966-67 में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, और ये कहा गया ग्रीन रिवॉल्यूशन इंग्लिश में कहा जाता है, और भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के कारण जो है यह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। और इसके मेन फीचर्स क्या है कि जो फसलें हैं उसमें नए प्रकार के बीज देना, केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना, और ऑर्गेनिक जो है कंपोस्ट खाद उनका प्रयोग करना, केमिकल पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करना,
और ट्रैक्टर्स थ्रेसर्स इस तरह के यंत्रों का प्रयोग करना और ट्यूबवेल्स कैनाल और तालाब आदि का निर्माण करना। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है इनको सब्सिडाइज किया गया। केमिकल कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे DDT इसका प्रयोग बंद कर दिया गया और जिसे जानवर उसको खाते हैं उससे प्रयोग किए गए चारे को तो वह जो है जो दूध उसे प्राप्त होता है वह मनुष्य के लिए हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए। तो इसलिए ऑर्गेनिक मैनर को बेस्ट माना गया खेती के। टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग मेथड, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग एंड विच इज द कंट्री प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर क्रॉप्स एंड व्हाट इज द पोजिशन ऑफ इंडिया एंड when this green revolution started for bringing revolutionary changes in our agriculture sector and what are those areas where we are focused to change the agriculture scenario of the country. This was about agriculture our country. Thank you. Thank you for thank you very much.